नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और वेदर अपडेट में जानेंगे आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है, क्या तापमान रह सकते हैं आसपास के इलाकों में दिल्ली के अंदर, और जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है क्या ये सही है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे हमारी इस खास पेशकश वेदर अपडेट के अंदर। तो दिल्ली में कई दिनों के बाद सोमवार को काफी तेज धूप निकली, जिसकी वजह से दिन में ठंड के एहसास में कमी आई है। वही हवा की रफ्तार भी तेज हुई। सोमवार को दिल्ली में 22 दिनों के बाद 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी देखी गई थी। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज थोड़ा कोहरा छाया रहेगा, हालांकि दिन में मौसम थोड़ा साफ भी हो जाएगा। मौसम में आर्द्रता 47 से 69% तक होगी। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इसी तरह के रहने की संभावना है। दूसरी तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आज यानी 23 नवंबर को 307 दर्ज किया गया है, जबकि 2.5 PM मानक से ऊपर 139.83 घन मीटर है। नोएडा की वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार है और 179 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में थोड़ी राहत की खबर है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 178 अप है। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच में अच्छा, 51 और 100 के बीच में संतोषजनक, 101 और 200 के बीच में मध्यम, 201 और 300 के बीच में खराब, और 400 के बीच बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो यानी कि सर्दियां तो आ गई हैं, सर्दियों का आगमन हो गया है। दिल्ली में तेज हवा भी देखने को मिल रही है, लेकिन धूप भी अच्छी खिल रही है दोपहर के समय, जिसकी वजह से ठंड का दोपहर में इतना एहसास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो वायु गुणवत्ता है, AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो अभी खराब श्रेणी में ही चल रहा है, जिसको लेकर सरकार भी काफी सतर्क है और लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स भी कर रही है कि इस जो वायु प्रदूषण है इसको कैसे हैंडल किया जा सके। कुछ जगहों पर थोड़ा कम देखने को मिला है, सुधार देखने को मिला है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, AQI में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें नोएडा की, गुड़गांव की, तो वहां पर AQI में थोड़ा सुधार है। वहीं दिल्ली में अभी AQI खराब श्रेणी में ही बना रहा है, और मौसम विभाग के अनुसार अभी लगभग एक सप्ताह तक मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिलहाल अभी के लिए वेदर अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।